हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आज के इस वीडियो में एक एस्ट्रोलॉजी के एक कॉन्सेप्ट में आपको बताना चाहूँगा उसकी एक इम्पॉर्टेंट डेट भी आ रही है कमिंग वीकेंड में आ, तो मार्केट में एक अच्छा मूव हम देख पाएंगे आ, हम प्रिपेयर हो सकते हैं उस मुंह के लिए और कैसा स्ट्रेटजी ने पहले परफॉर्म किया वो भी हम देखेंगे और इसके बाद से हम मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है एंड हाउ बेसिकली बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या एस्ट्रो जनरली मार्किट्स uh, के ऊपर इम्पैक्ट करती है तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे uh, तो डब्ल्यू डी गैन बहुत मैथामेटिक्स प्लस एस्ट्रोलॉजी दोनों यूज़ करते थे और उन्होंने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा uh, ये विकीपीडिया का पेज है डब्ल्यू डी गैन का उन्होंने कुछ जो उनकी स्ट्रेटजीज हैं एक तो ये डबल इन्ग्रेस का यूज़ करते थे तो उसका बेसिकली वैन टू और मोर प्लैनेट्स नॉट काउंटिंग मूव एंटर्स एंड न्यू साइन विद इन टू कंजिक्यूटिव सेम डे विद इन टू कन्जिक्यूटिव डेज उसे डबल uh, इन्ग्रेस बोलते हैं आपको ऐसा समझना है कि सोलर सिस्टम में हमारे नाइन प्लैनेट्स हैं और हमारे ट्वेल्थ जो हैं तो ये नाइन प्लैनेट्स ऑलवेज मूव करते हैं दे आर नॉट स्टेशनरी दे ऑलवेज मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये कभी ना किसी एक हाउस या एक हाउस से दूसरे हाउस में चलते रहते हैं जैसे जूपिटर हर हाउस को एक साल में बदलता है मून हर हाउस को टू एंड हाफ डेज़ में बदलता है मार्स फोर्टी फाइव डेज में बदलता है सन थर्टी डेज में बदलता है तो हर टाइप के देर आर ट्वेल्व जोडीएक्स तो ट्वेल्व जोडीएक्स हमारे एरीज टॉरस जेमिनाई कैंसर लियो वर्गो लिब्रा स्कॉर्पियो सेगेटेरियस से कैप्रिकॉन एक्वेरियस से पाइसिस होता है तो बेसिकली अगर दो एक प्लानट रेगुलर विद इन वन डे या विद इन टू कंजिक्यूटिव डे साइन चेंज करें मतलब दे आर मूविंग फ्रॉम वन हाउस टू अनदर हाउस तो अगर एक बार में करें उसे इनग्रेस बोलते हैं अगर दो एक से ज़्यादा प्लेनेट करें उसे डबल इन्ग्रेस बोलते हैं और डबल इनग्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए यहाँ पे आपको एक अच्छे ट्रेंड से बहुत ही रेयर इवेंट है ये इवेंट आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है पर जब भी मार्केट के अंदर आता है आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल जाता है अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे तो इनग्रेसेज हम आ, एक तो हमारा सॉफ्टवेयर है टाइमिंग सॉल्यूशन उससे निकाल सकते हैं बाकी वेबसाइट पे भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा बहुत सारी वेबसाइट ये डेटा भी प्रोवाइड करती है पर हम जनरली टाइमिंग सोल्यूशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो मैं आपको पहले इसमें इनग्रेस देख के निकाल के बता देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मरकरी का इनग्रेस लगाया आप देखिए मरकरी का इनग्रेस जब भी आता है तो मार्केट में एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज देखने को मिलता है ये देखिए एग्जैक्टली बिफोर बजट डे सॉरी बिफोर इलेक्शन रिजल्ट से टॉप बता दिया था अगले दिन अच्छा साइन चेंज हुआ है वापस ये डेट आ रही है सेवनटीन जो कि कल है कल हमारी हॉलीडे है और नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि वीनस का भी साइन चेंज हो रहा है अगर इसको भी मैं लगा के देखूं, ये देखिए डबल लाइन दिख रही है आपको इसमें वीनस और मरकरी दोनों का साइन चेंज हो रहा है देखिए लास्ट टाइम भी ये दोनों लगभग विद इन वन और टू डेज हुए थे उसके बाद मार्केट में एक अच्छी फॉल आई थी तो जब भी ये डबल इन्ग्रेस होता है ये देखिए डबल इनग्रेस हुआ और उसके बाद एक अच्छी रह गई तो पर ये विद इन वन डे हो रहा है ये दोनों एक ही दिन आ रहे हैं तो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट अब इससे पहले कहीं हमारे डबल इंग्लिस हुए उनको भी हम देख लेते हैं तो हम उसके लिए अपना एक डेटा खुद मेंटेन रखते हैं जैसे देखिए जुपिटर और वीनस का हुआ था फोर्थ सेप्टेंबर टू तो हम देखते हैं फोर्थ सेप्टेंबर टू को कुछ हुआ क्या मार्केट में जुपिटर है तो बैंक निफ्टी को हम ज़्यादा वेटेज देंगे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री जीरो नाइन ज़ीरो फोर ये देखिए फोर्थ सितंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का फिफ्थ हुआ ये फोर्थ हुआ उसके बाद क्या हुआ मार्केट जस्ट कंसोलिडेट किया इसके बीच में और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और उसके बाद देखिए बहुत ही अच्छी रैली फ्रॉम फोर्टी फोर थाउजेंड टू ऑलमोस्ट फोर्टी सिक्स थाउजेंड ऑलमोस्ट टू थाउजेंड पॉइंट्स का रैली विद इन फाइव सिक्स ट्रेडिंग सेशन्स आया तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जैसे ही इस दिन का लो भी कटा है इस दिन यहाँ पे यहाँ पे देखिए आपको वाटरफॉल काइंड ऑफ डिक्लाइन भी देखने को मिला तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आ, उसके बाद और कब आया डबल इनग्रेस तो अगर हम देखेंगे फोर्थ के बाद फिफ्थ अक्टूबर को भी आया था नहीं मून है तो मून को हम कंसिडर नहीं करेंगे जैसा हमने बोला सिर्फ प्लानट्स को हमें कंसिडर करना है तो उसके बाद आया था ये देखिए ट्वेंटी नाइन ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी नाइन ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को क्या हुआ बैंक निफ्टी में ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन देखिए एक दिन पहले बैंक निफ्टी का टॉप बना था और ये यहाँ से आप देखिए फ्रॉम ऑलमोस्ट फोर्टी एट ऑल टाइम हाई सेफ्टी फोर थाउजेंड पॉइंट करेक्ट हो गई थी विद इन वन मंथ विच इज अ वेरी बिग मूव राइट तो इस कारण आपको ये बहुत ही अच्छे मूव आप डिफाइन कर पाते हैं इसके थ्रू सो so, इसी के लिए आप किसका हो रहा है आप देखिए ये इस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ईयर का पहला डबल इनग्रेस हमें देखने को मिल रहा है विच इज ऑन यहाँ पे देखिए सेवनटीन जून को है उसके बाद सेकेंड जुलाई को भी है परम और मरकरी वीनस मरकरी वीनस दोनों शॉर्ट टर्म प्लानेट्स है वीनस अबाउट लग्जरी तो टाटा मोटर्स पे जरूर ध्यान रखिएगा मरकरी टेली है तो रिलायंस पे बहुत ध्यान रखिएगा और इंडिगो हुआ एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू लग्जरी मरकरी में आप यू uh, नो uh, you know, और कौन से स्टॉक्स आ जाएंगे टेली कम्युनिकेशन आ जाएगा ब्रोकरेजेस आएंगे तो इनके और दोनों कैंसर के अंदर मूव करें तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट साइन uh, हो जाता है कैंसर uh, uh, जो कि हमारा फायर साइन के अंदर आता है तो बहुत ही uh, अच्छा मूव हम देखने को हमें वी वी कैन सी इट तो डबल इन्ग्रेस सबसे पहले इनग्रेस वन प्लानट मूव फ्रॉम वन यू नो फ्राम वन जोडेक साइन टू तो अनदर जोडेक साइन एक हाउस से दूसरे हाउस में मूव करता है उसे इनग्रेस कहते हैं अगर एक साथ दो प्लेनेट मूव कर रहे हैं तो उसे डबल इन्ग्रेस कहते हैं और डबल इन्ग्रेस जब भी होता है तो हमने देखा है मार्केट में एक अच्छा मूव होने के चांसेस हैं तो अब देखिए अभी हम क्या प्लान बना सकते हैं कि सबसे पहले देखिए कल तो छुट्टी है तो कुछ खास होगा नहीं अगर आप एटीनथ को ट्रेड कर रहे हैं अब अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो यहाँ पे देखिए कि अगर इसके ऊपर 50, 200 के ऊपर जाता है तो वापस बैंक निफ्टी इस इलेक्शन हाई की तरफ फिफ्टी फाइव सिक्स सिक्स सेवन और उसके ऊपर ऑल टाइम हाई 51, 133 के आसपास जाने की कोशिश करेगी और अगर प्रॉब्ली इफ इट इज़ इफ़ इट ब्रेक्स 49, 725 तो हमें आ, डबल इनग्रेस है तो 48664 का हमें फॉल मिल सकता है अभी देखिए लास्ट चार पाँच दिन सिर्फ डोजीज ही बनी है तो मार्केट भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है और सिक्सटीन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोडेट जो प्रॉब्लली आई ट्राई टू कवर इन ए सेपरेट वीडियो पर अभी ये वीडियो मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही रखना चाहता हूँ इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा इसलिए निफ्टी की तरफ भी अगर हम आ जाए तो क्या होगा हाँ तो निफ्टी अगर फ्राइडे का प्रॉब्ली अगर इसके ऊपर मूव करता है विच इज ट्वेंटी के ऊपर तो वापस हम मूव टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई आई निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई मार रहा है तो पहले निफ्टी का ही दिखा देता हूँ आपको निफ्टी देखिए निफ्टी अगर ट्वेंटी थ्री फोर हंड्रेड के नीचे आता है तब हम मंदी के सौदे बना सकते हैं टुवर्ड्स तो ट्वेंटी थ्री टू जीरो फाइव जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है अगर इस रेड लाइन को तोड़ दिया तो प्रॉब्ली आई एम थिंकिंग दैट मार्केट वापस ट्वेंटी टू से लेकर 22780 के आसपास आ सकता है एंड ऑन अपसाइड अगर न्यू हाई ट्वेंटी टू और उसके ऊपर ट्वेंटी की तरफ हम देख रहे हैं तो so बेसिकली हमें कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रो से हमें एक डायरेक्शन पता लग जाता है और इन uh, लेवल से हमें एक uh, वो पता चल जाता है कहाँ पे पार्ट बुकिंग करनी है कहाँ पे ये करना है तो मल्टीपल डोजिज

एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू नो प्लान योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली और इस वीडियो को हम फॉलो अप भी लेंगे कि जनरली कई कई बार मेरे से क्वेश्चन पूछा वाई एस्ट्रोलॉजी शूड वर्क इन मार्केट तो ये हमने एक बताया डबल इन्ग्रेस का कॉन्सेप्ट आपको आप खुद जाके हम देखेंगे कि किस तरह से मार्केट में मूव जाते हैं एंड विल सी हाउ हाउ मार्केट बिहेव इन द कमिंग वीक थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट स्टे डिसिप्लिन